घुटनों व कमर के दर्द के लिए बहुत फायदेमंद होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी आपका ममल बोन साइन में फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, सर्दियाँ शुरू होते ही हमारे घर के बुजुर्गों को एक समस्या होती है और वो है घुटनों के दर्द या कमर दर्द या जो ज्वाइंट पेन है उनसे उनको काफ़ी परेशानी होती है। वैसे तो इनके लिए जो है मार्केट में पेन किलर होती है, लेकिन क्या पेन किलर ज़्यादा लेना शरीर के लिए अच्छा नहीं होता, खासकर बुजुर्गों को क्या है ज़्यादा दवाइयाँ नहीं खानी चाहिए। ऐसे में क्या है, नेचर ने हमें बहुत सी ऐसी औषधियाँ दे रखी है जिनसे हम इस तरह के रोगों का उपचार घर पर कर सकते हैं। आज की जनरेशन इतना इनका उपयोग नहीं करती, लेकिन हमारे जो दादाजी थे उनके टाइम में जो है इन चीज़ों का बहुत उपयोग करते थे और वो जो है देसी दवाओं से जो है इस तरह के उपचार करते थे। घुटनों के दर्द के लिए एक अच्छा औषधीय पौधा है आक। आक के पौधे से घुटनों का दर्द ठीक किया जा सकता है और इतना ही नहीं, ये पौधा बहुत से और भी रोगों में लाभदायक है। आज के वीडियो में हम आक के पौधे की पहचान, उसके उपयोग व उसके क्या क्या फायदे हैं ये सब जानेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस पौधे की पहचान हम कैसे करेंगे। आक के पौधे को मदार के नाम से जाना जाता है। मेरे यहाँ इसे आंकड़े का पेड़ या फिर आक का पौधा कहा जाता है। आपके यहाँ इसको किस नाम से जाना जाता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये एक औषधीय पौधा है जो पूरे भारत में बहुत ही आसानी से पाया जाता है। ये बंजर जमीन में या खुले मैदानों में या जो सूखा एरिया होता है वहाँ पे भी बहुत आसानी से मिल जाता है। इनके बीज हवाओं में बिखर कर अपनी जनरेशन को इधर उधर फैलाते रहते हैं। आक दो किस्म के होते हैं, एक देसी आक होता है जिसमें सफ़ेद और बैंगनी कलर के फूल आते हैं और दूसरा आता है सफ़ेद आक जिसमें सफ़ेद फूल आता है। सफ़ेद आक की जो है पूजा की जाती है और ऐसा माना जाता है कि उसकी जड़ में भगवान गणेश का वास होता है। सफ़ेद आक के पत्ते जो है थोड़े से लंबे टाइप में होते हैं, जबकि जो देसी आक होते हैं इसके थोड़े से चौड़े या आप कह लीजिए गोलाई टाइप में होते हैं। इनके फूल के बाद इनमें जो है हरे रंग के फल बनते हैं जो दिखने में थोड़े थोड़े कच्चे कैरी जैसे लगते हैं, यानी कि कच्चे आम की शेप जैसे होते हैं। इसके बीज के चारों तरफ जो है सफ़ेद सफ़ेद बाल से चिपके होते हैं जो कि काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, जो हवा चलने पर फल से निकलकर उड़ उड़ कर दूर दूर फैल जाते हैं और वहीं पे अपनी जो बीज है वो उगा लेते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसके क्या फायदे हैं। नंबर एक, जोड़ों या घुटनों के दर्द में इसका सबसे ज़्यादा उपयोग जोड़ों या घुटनों के दर्द में किया जाता है। आक के पत्तों में सूजन कम करने वाले गुण होते हैं जो गठिया घुटनों व कमर के दर्द के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसके लिए इसके पत्ते पर सरसों का तेल या फिर अरंडी का तेल लगाकर उसको अच्छे से तवे पर सेक लें। जब ये सिक जाएंगे तो आपको फील होगा कि इसके जो पत्ते हैं थोड़े से पतले पतले हो गए हैं, जबकि इसके कच्चे पत्ते मोटे रहते हैं। जब ये अच्छे से सिक जाए तब इसको उतार लें और थोड़ा ठंडा होने दें। इतना ठंडा होने पर उनको जो है जिस घुटने पर दर्द है या सूजन है जहाँ पर, वहाँ पर इनको रख दें और उसको एक धागे से बांध दें। ऐसा करने से घुटने के दर्द में या ज्वाइंट पेन में बहुत जल्दी आराम मिलता है। नंबर दो, त्वचा रोग में फायदेमंद। स्किन प्रॉब्लम में भी आक के बहुत फायदे हैं। 3-4 ग्राम हल्दी आक के दूध में मिलाकर लगाने से चेहरे के दाग धब्बे या जो खाज खुजली की प्रॉब्लम है उसको दूर किया जा सकता है। दोस्तों, एक चीज़ का ध्यान रखिए, इसका प्योर दूध अगर आप स्किन पर लगाते हैं तो उससे आपको जलन हो सकती है और हो सकता है थोड़ी सी सूजन भी आ जाए, तो इसलिए कभी भी इसको डायरेक्ट यूज़ ना करें और इसको कम मात्रा में यूज़ करें। नंबर तीन, कान के रोग में फायदेमंद। इसके पत्ते को कड़े तेल में सेक लें, जैसे कि हमने घुटने पे बांधने के लिए सेका था वैसे सेक लें, लेकिन इस बार क्या कर रहे हैं उसका रस निकालना है और उसकी जो है एक दो बूंद कान में डालने से बहुत जल्दी जो है कान के दर्द से आराम मिलता है। नंबर चार, सांस की बीमारी में फायदेमंद। आक के फूलों को या उसकी जड़ को सुखाकर उसके चूर्ण का सेवन करने से सांस संबंधी बीमारियों का उपचार किया जा सकता है। इसके फूलों से भी सांस की बीमारियों में काफ़ी लाभ मिलता है। जब हम छोटे थे तो मैंने इसका उपयोग करते हुए हमारे एक चाचा जी को देखा था। नंबर पाँच, गैस्ट्रिक समस्या में फायदेमंद। आक के फूल का सेवन करने से कब्ज, गैस या सूजन या पाचन संबंधी जो समस्या होती है उसमें भी काफ़ी फायदा मिलता है। नंबर छः, कीड़ों के काटने पर फायदेमंद। अगर हम कहीं जंगल के रास्ते जा रहे हैं या कुछ ऐसी जगह पे हैं
तो जब हमें कोई कीड़ा काट लेता है, कोई बिच्छू काट लेता है, तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, इस पौधे को ढूंढकर इसके जो पत्ता है उसका रस निकाल कर उस जगह पे लगा ले, या इसके पत्ते को तोड़कर उसका जो दूध निकलता है हल्का हल्का सा, उसको जो है जिस जगह पे आपको उसने काटा है कीड़े ने, वहाँ पे इसको थोड़ा सा रगड़ ले, या इसके पत्तों का जो है मसल कर उसका लेप जो है वो लगा ले। इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो जहर को ख़त्म करने का काम करते हैं। नंबर 7, सिर दर्द में फ़ायदेमंद। आग से सिर दर्द में भी काफ़ी फ़ायदा मिलता है, इसके लिए इसके पीले पत्तों पर घी लगाकर सेक ले, जैसे हमने तेल लगा सेका था वैसे, फिर उसकी एक दो बूंदे कान में डालने से सिर दर्द ठीक हो जाता है। पहले कुछ लोग इसकी सूखी टहनी को लेकर उसके एक हिस्से को जलाकर और दूसरे हिस्से से धुएं को अंदर खींचते थे, जिससे सिर दर्द में आराम मिलता था। दोस्तों, इन जड़ी बूटियों का उपयोग पहले बहुत होता था, आजकल इनका उपयोग कोई नहीं करता, लेकिन हमारे आसपास की जो वनस्पति है हमें उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। मेरी कोशिश यही रहती है कि हमारे जो बुजुर्गों द्वारा जो उपयोग की गई वे बताई गई जो जड़ी बूटी है उसके बारे में हम सबको जानकारी मिले। दोस्तों, आप में से किस किस ने आग का कभी भी अगर उपयोग किया है तो उसको कैसे उपयोग किया है और उसके आपको क्या फ़ायदे हुए हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि जो हमारे दोस्त कमेंट रीड करेंगे उनको भी इनका फ़ायदा हो सके, वो भी इनका लाभ जो है वो उठा सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करेंगे तो हमारा जो हौसला है वो बढ़ेगा और हम जो है और भी अच्छे अच्छे वीडियो लेके आएंगे। और आप कमेंट करके ये भी बताया करें कि आपको किस तरह के वीडियो और देखने हैं या किस जड़ी बूटी के बारे में आपको जानना है। इस वीडियो पर मैं ज़्यादा नहीं 1000 लाइक की आशा करता हूँ। आई होप आप सब साथ देंगे और 1000 लाइक कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।